अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ XVR IB04 और XVR IB08 को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं मल्टीपल वाईफाई डोंगल के साथ। जैसे TP-Link की बहुत सारी डोंगल्स आपको मार्केट में मिलती हैं, तो वो वाली डोंगल्स आप कैसे इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल में एक वेबसाइट ओपन करनी होगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कौन सी वेबसाइट आप लोगों ने ओपन करनी है। यहाँ पर आप जाएंगे गूगल में, आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का जैसे नेम है सेम आप गूगल में सर्च करेंगे टेक्निकल राइट वे। आप technicalrightway.com सर्च कर लें या पहला technicalrightway सर्च कर लें तो ये फर्स्ट पे वेबसाइट आने वाली है। इस वेबसाइट को आप लोगों ने ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं XVR, DVR और NVR और यहाँ पर Xerox और एक रिक्वेस्ट टू अपलोड। तो यहाँ पर ये आपको तीन यहाँ पर मिलती है, मेन्यू मिलते हैं। तो यहाँ पर आप XVR में सेलेक्ट करें और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप फर्ज करें कि आपके पास मॉडल है XVR 1B04i। तो आप इसको TP-Link के साथ यूज़ करना चाहते हैं और कौन सी इसके साथ TP-Link सपोर्ट करती है या वाईफाई की डिवाइस डोंगल सपोर्ट करती है, टेंडा सपोर्ट करती है, तो वो इसमें मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डिटेल के साथ। यहाँ पर आप सर्च करते हैं, जैसे आप सर्च कर रहे हैं तो आपको ये एक रिजल्ट मिल रहा है इसमें IB04 और IB04। और इसमें अब चेंजिंग ये है कि ये टेंडा के साथ वर्क करेगी, ये वाली जो फर्मवेयर की फाइल है ये टेंडा के साथ वर्क करेगी, ये TP-Link W725 के साथ और ये 5370 के साथ। अभी मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ ये TP-Link कौन कौन सी है, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि ये TP-Link के जो कौन सी है। ये वाली TP-Link जो है 5370 आप देख सकते हैं, और ये TP-Link जो है ये है इसका जो वाईफाई की डिवाइसेस है ये W725N, ये वाली इसके साथ वर्क करेगी। अब इसमें सेम IB08 और IB04 में दोनों में ये डोंगल वर्क करती है, लेकिन उसमें जो सा सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करोगे, जैसे ये टेंडा U3 है, इसमें से जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे ये उसी के ऊपर ही वर्क करेगा। जैसे ये टेंडा U3 की डिवाइस का है तो आपको इसके लिए ये वाला फर्मवेयर डाउनलोड करना है और इसको इंस्टॉल करना है। जैसे आप इसको अपग्रेड करेंगे तो ये टेंडा U3 इसके ऊपर वर्क करेगा और इसके ऊपर टेंडा की डिवाइसेस वर्क करती है। टेंडा U3 भी वर्क करता है, टेंडा U1 भी इसके ऊपर वर्क कर जाके साथ होगा जो USB के जरिए होगा, वो भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है। जैसे आप किसी आर्टिकल को ओपन करते हैं तो आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। जैसे ये है 1B04, तो यहाँ पर इसे आपने कैसे अपग्रेड करना है, यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपको एक वीडियो मिल जाएगी, वीडियो लिंक में आप जान पाएंगे कि इसको कैसे अपग्रेड करना है USB के जरिए और वेब ब्राउजर के जरिए। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का बटन मिलेगा, आप इसे डाउनलोड करें और आप इसे इंजॉय करें।